हाईकोर्ट के निर्देश के बाद देवभूमि में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शहरों में नगर पालिका द्वारा साफ सफाई की जा रही है और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इस अभियान में नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर सभी अधिकारी कर्मचारी जुटे हुए हैं। मसूरी में यह अभियान नगर पालिका द्वारा चलाया गया। नगर पालिका की टीम ने शहर से 10 टन कूड़ा कचरा एकत्रित किया है। अधिकारी राजेश नैथौनी ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद पूरे प्रदेश में नगर निकायों के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक और रैलियों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। वहीं सभासद गीता कुमारी ने कहा कि हम सभी देश विदेश से आने वाले पर्यटकों से निवेदन करते हैं कि वो शहर की स्वच्छता बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। पहले की अपेक्षा अगर हम देखा जाए तो सफाई व्यवस्था उनकी तरफ से काफ़ी हद तक मेंटेन की जा रही है। घर घर से कूड़ा लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डंपिंग जो है टूरिस्ट करके जा रहा है। तो पालिका को एक अधिशासी अधिकारी महोदय को एक संदेश देना चाहूँगी कि आप जगह जगह साइन बोर्ड लगवाएं, जितने भी हवा घर है वहाँ पर डस्टबिन रखवाएं, ताकि टूरिस्ट कूड़ा ना फेंके। आम आदमी व्यवस्था को मेंटेन कर रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि टूरिस्ट कूड़ा नहीं फेंकेगा जब हम उनको ये व्यवस्थाएँ देंगे, साइन बोर्ड लगाएंगे और डस्टबिन रखवाएंगे। कीन हो गई, हिलदारी हो गई। इसके अलावा हमारे स्वयं सेवी संस्थाएं थी, हमारे सभी मान्य पार्षदगण थे, सभी इस अभियान में सम्मिलित हुए और इसमें करीब 10 टन के आसपास कचरा इकट्ठा किया गया आज। हाँ, अभियान तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अभियान हमारे लगातार चलते रहेंगे और पूरे साल ही ये चलते हैं। इसमें हमारे निदेशालय से अभियान की रूपरेखा तैयार करके सभी निकायों को भेजी जाती है और उसके अनुसार हमारे अभियान चलते हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।